अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए अब बनाते हैं पनीर टिक्का मसाला, जिसके लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 अदद कटी हुई प्याज को ऐड कर लिया है। अब हम प्याज को हल्की नरम होने तक पका लेंगे। यहाँ पर हमारी प्याज नरम हो चुकी है। अब हम इसमें 5 अदद कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे और 4 अदद हरी मिर्चें और 4 अदद साबित कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 10 से 12 काजू के टुकड़े ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ हरा धनिया और 100 ml के करीब पानी ऐड कर इसे मिला लेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा मसाला ठंडा हो चुका है और हमने इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम एक कढ़ाई में 2 टीस्पून के करीब घी और 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर लेंगे और इसमें 1 अदद चॉप की हुई प्याज ऐड कर इसे कुछ देर के लिए पका लेंगे। यहाँ पर हमारी प्याज हल्की पिंक हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसकी स्मेल ख़त्म होने तक इसे भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर इसे दोबारा से भून लेंगे। यहाँ पर हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 कप पानी ऐड कर इसे ऑयल ऊपर आने तक पका लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर लेंगे और इसे एक बार फिर भून लेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें हमारा पिसा हुआ पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर हमने हमारे जार में लगे हुए मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड कर उसे भी इसमें ऐड कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास पनीर टिक्के का कुछ मैरिनेशन बच गया था, हम उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं बचा हो तो कोई बात नहीं, हमने डायरेक्ट आगे इसमें अभी हमारे पनीर टिक्के को ऐड करना है। यहाँ पर हम इसमें हमारा ग्रिल किया हुआ पनीर टिक्का ऐड कर लेंगे और अब इसे मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। यहाँ पर हम इसमें 1/2 टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी और 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। और ये देखिए, हमारा पनीर टिक्का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे बटर नान के साथ या फिर पराठों के साथ सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए। यहाँ पर हमने इसे सर्व कर लिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।